हेलो दोस्तों, गुजरात के ट्रेवलॉग सीरीज में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं कवर करने वाला हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव मीन्स क्वींस स्टेपवेल, जो कि पाटन में है। पाटन अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे है और 2 घंटे की सफ़र के बाद हम रानी की वाव पहुँच गए। एम्पल पार्किंग स्पेस और पार्किंग के पास ही टिकट विंडो भी है, जहाँ से टिकट हमने परचेज की। फॉर इंडियन विजिटर इट वॉज 40 रुपीज़। उसके बाद हम रानी की वाव की ओर चल पड़े। एएसआई ने इस पूरी कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। ये रहा रानी की वाव का इंफॉर्मेशन पोर्ट, जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। लेकिन हमने वहाँ एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड गाइड हायर किया, जिसने हमें रानी की वाव का एक पूरा गाइडेड टूर दिया और हमें रानी की वाव के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। लेकिन उससे पहले लेट्स डू अ सिनेमैटिक टूर एंड देन वी विल हैव गाइडेड टूर। Now it's time for guided tour. अब है उनका रानी उदयमती ने बनाया। रानी उदयमती ने बनाया ना, इसलिए क्या बोलता है रानी का वाव। वाव मीनिंग स्टेप वेल, हिंदी में उसको बावड़ी बोलता है, गुजराती में से वाव बोलते हैं, मराठी में से विहीर बोलते हैं। रानी ने वाव कब बिल्ड किया? तो रानी ने वाव ईस्वीसन 1022-1063 के अंदर बनाया, AD 1022-63। तो बिल्ट ऑन 40 ईयर्स दिस स्टेप वेल, बनने में 40 साल लगा। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में तो अभी 993 ईयर ओल्ड है, 1000 में केवल 7 ईयर्स बाकी है। ज़्यादातर राजा अपनी रानी के लिए ऐसा मॉन्यूमेंट बनाता है, लेकिन यह उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाया उनकी मृत्यु के बाद। ये इसकी विशेषता, एक लेडी ने, एक स्त्री ने बनवाया है। अब रानी ने स्टेपवेल क्यों बनवाया, इसका 3 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न है, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा तो ऐसा स्टेपवेल आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है ना, वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीज़न है कि पहले राजा मरता था तो रानी सती होता था, यहाँ रानी सती नहीं हुआ लेकिन अपने हस्बैंड की याद में स्टेप वेल बनाई, सती प्रथा को फिनिश किया। थर्ड रीज़न ये कि उनके हस्बैंड की कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बना रहे,
इसलिए स्टेपवेल बनाया गया है। आप जैसे कि आगरा का ताजमहल शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया ना, वो प्रेम का प्रतीक है, ये भी एक प्रेम का प्रतीक है, लेकिन यहाँ उल्टा है, ये रानी ने, लेडीज ने, क्वीन ने बनाया है, एक वुमेन ने बनाया है, नारी शक्ति को उजागर करता है। किसानों के फार्म थे तो किसान लोग वहाँ से कोस द्वारा पानी निकाल के खेती करते थे, पानी पीने के लिए यूज करते थे, लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा सच्चर दबा हुआ है। अब आर्कियोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया और आर्कियोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने 1958 से खुदाई काम स्टार्ट किया, 1968 में फिनिश किया, 10 साल में पूरा स्ट्रक्चर खुदाई करके बाहर निकाला और 22 जून 2014 के रोज ये वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। गुजरात में 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फर्स्ट है पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का चांपानेर, बोलते हैं पावागढ़ के पास, चंपानेर 2004 में गया, वाव 2014 में गई, और ओल्ड अहमदाबाद सिटी बोलता है 2017 में गया। तो गुजरात में 3 ही विश्व विरासत है। दूसरा के पूरा जो वाहन सर सैंडस्टोन, रेतीले पत्थर पर बनाया गया पूरा सैंडस्टोन, ये देखिए स्टोन लॉकिंग बोलता है, एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है जिसमें सीमेंट चुना नहीं किया जाता, ये मेल फीमेल सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये डव टेल सिस्टम बोलते हैं, दो पत्थर के बीच गैप करके इसके अंदर साग ये सिस्टम का लकड़ा फिट किया जाता है, बारिश आएगा तो लकड़ा पीक के फुल के एक्सपेंड होगा, भूकंप आ गया तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में भूकंप आया भुज में, यहाँ पर भी भूकंप आया तो पूरा स्ट्रक्चर हिला लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो ऊपर से कुआ 27 मीटर डेप्थ है। वाव के चार प्रकार होते हैं, जया, विजया, नंदी और भद्रा। तो ये नंदी टाइप का वाव है, नंदी यानी एक मुखी, हम जहाँ से अंदर जाएगा वहां से हमको वापस जाना पड़ता है, एक मुखी बोलते हैं। वाव की शैली बोलते हैं शिखर के डिजाइन, वो नागर शैली में है और वाव है वास्तु के अधीन बनाई गई है। वास्तु उसको बोलते हैं जिसके अपने पर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट है, वास्तु बोलते हैं। उसमें अष्ट दिक्पाल बोलते हैं, 8 दिशा के 8 देवता, उसमें से कई दिक्पाल बताया गया है। अब रानी उदयमती ने इसमें नक्काशी में क्या क्या बनवाया है, तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोता है बताए, स्वर्ग, भूमि और पाताल। इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार है, विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है, 299 अप्सरा है। उस टाइम की नारियों की मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 सिंगार, ज्वेलरी और 14 विष कन्याएं बताई गई है, वो सब हम नीचे देखेंगे। अब रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, इसके पानी का क्या महत्व, वो भी मैं आपको नीचे समझाएगा। डियर होता है, देखिए पैर के पास डियर है, आज भी अपने घर में विंडो होता है ना, वाव जहाज के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकता है। सामने के कॉर्नर में अग्नि देवता है, अग्नि देवता को क्या होता है, डाढ़ी होता है, मूछ होता है, उनका कल भेड़ होता है, देखिए पैर के पास स्मॉल शिप एनिमल बताया गया है। आज भी अपने घर में किचन होता है ना, साउथ ईस्ट कॉर्नर में बना सकता है। सामने के वो हनुमान जी है, पनौती दो टाइप का होता है, शनि देवता का, 2.5 और 7.5 बोलता है। देखिए हनुमान जी ने दोनों पनौती को अपने पैरों तले दबा दिया है, अगर हमारा बैड लक चलता है खराब समय तो हनुमान जी को याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हमारा बैड लक दूर होगा। उनके पीठ पीछे देखिए टेल पूंछ बताया गया है, ये सब स्टैचू वेदरिंग इरोजन हुआ है, देखा वो शेर साई विष्णु का घस घिस गया है स्टैचू, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ देखिए शिव है, उनके हाथ में त्रिशूल है, नीचे बोल नंदी है। आज भी अपने घर में मेन एंट्री गेट ऑफिस और पूजा का आला बोलता है भगवान जी का, ईशान्य कोने सर दो विष्णु है, गदा संघ चक्र पद में है, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड नंबर के। अफसर देखिए आईने में काजल लगा रहेगा, तो उस जमाने में मेकअप स्टाइल था। इसके बाद अप्सरा है, उसके बाद अंदर की साइड बड़ी स्टैचू पार्वती माता, उनके हाथ में करमंडल है। उसके बाद देखिए वो मातृपेम है, उसकी गोदी में बच्चा है। उसके बाद अंदर की साइड बड़ी स्टैचू चामुंडेश्वरी, उनके हाथ में त्रिशूल है। लास्ट में देखिए वो अप्सरा आईने में देख रही है। फिर बीच में लक्ष्मी जी है, उनके आसपास अप्सरा है, ये स्मॉल स्मॉल स्टैचू बैठे हैं, ज्यादातर लक्ष्मी जी का उनके हाथ में कमल है। कॉर्नर में दो इंद्र है, उनके हाथ में वज्र, नीचे हाथी बोलते हैं पूर्वा इंद्र, वो पटोला साड़ी का डिजाइन है। 1, 2, 3, 4 अप्सरा है। कॉर्नर में जो शिव है, उनके हाथ में त्रिशूलनाथ का मंडल है। ये सब अप्सराएं कोई आईने में देखे तो बांसुरी बजा रही है। और विष्णु पार्वती माता, उनके हाथ में का मंडल है, उनके आसपास अप्सरा है, ये स्मॉल स्मॉल स्टैचू बैठा है, ज्यादातर लक्ष्मी जी का है। सामने की वो शिव है, उनके हाथ में त्रिशूलनाथ का मंडल है। सामने भी देखिए शिव है दोनों तरफ। ओके, अब सामने के वो ये पटोला साड़ी के डिजाइन, वो शेर जैसे थोड़ा फ्रेश दिखता है, वो कृत्रिम क्या नजरिया बोलते हैं, अपने घर के आगे लगाते हैं। वो 1, 2, 3 बैठे हुए लक्ष्मी जी है, हाथी पर घोड़े पे, नीचे हाथी की सवारी है। सामने के वो भी पटोला साड़ी का डिजाइन है, वो कृत्रिम, उनके हाथ में कमल है, नीचे देखिए वो हाथी पैर को उखड़ा इंसान को मार रहा है। तो उस जमाने में कोई क्रिमिनल गुनाह करता ना तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल के पनिशमेंट देता है। वो दोनों विष्णु है।
देखिए ये शिखर का डिजाइन है, ये नागर शैली में, मैंने बोला ना आपको नागर, ये नागर शैली का डिजाइन है मैडम। ये कीर्ति मुख है, नजरिया बोलते हैं, ये सब लक्ष्मी जी उनके हाथ में कमल है, नीचे देखिए वो कुबेर है, उनका पेट थोड़ा बड़ा होता है, देखा। अब देखिए ये दोनों इंद्र बोला मैंने आगे, ये राम अवतार है, धनुष से बांध तलवार ढाल बता के रामा अवतार, अराउंड स्मॉल स्मॉल दशा अवतार है, ये अंगड़ाई लेके अप्सरा यूनिकेशन पाने साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, साधुओं का जीवन लोगों का भला करने के लिए कामना के लिए नहीं। बाद में वामन अवतार है, बटुका में साता यक्ष माला बलि को तीसरे पैर में पाताल में बेचता है, वो विष कन्या उसके पैरों में सांप बताया गया है, ये अप्सरा बताए जूली कितने फाइन है, ये वरा अवतार है, वरा अवतार फेस पिक का होता है, न्याय शास्त्र मार के समुद्र से धरती माता को बाहर निकालता है, क्योंकि लेडीज के रूप में स्त्री के रूप में धरती माता आती बैठी हुई है। बाद में वो विष कन्या, विष कन्या कैसी होती है, उसके पैर में देखिए पीकॉक है, पीकॉक जैसी बिल्कुल सुंदर होती है, इससे आके पास सांप, सांप जैसी जहरीली होती है, इसीलिए ऊपर देखिए थ्री आउल है, आउल नाइट को देखता है, नाइट को शिकार करता है, तो विष कन्या भी नाइट को शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता उसकी मृत्यु कैसे हुआ, उसको लेकर चाणक्य नीति में किया गया है। बाद में वो विश्वामित्र का तपोभंग करके राधे कृष्ण मेन का अप्सरा है, देखा उनको ढका नहीं है, ये जो पोर्शन है उनका बिल्कुल ढका हुआ है, विष कन्या ऐसी होती है मैडम, ऐसी कामुक यानी वो राजा को ऐसे मारती पता नहीं चलता नाइट को। अच्छा, बाद में वो विश्वामित्र का तपोभंग करके राधे कृष्ण मेन का अप्सरा बताई गई है, वो बहुत सारे आते हैं काल भैरव, उनका जो डॉग होता है पैर के पास डॉग है, वो अप्सरा है, कोर्नर में विष्णु है, वो साधु महात्मा है, विष्णु विष्णु वो विष कन्या है, इसके हाथ में सांप है, देखिए यहाँ कच्ची केवल ये इसकी विशेष अपूर्ण है, देखा वो साधु महात्मा योगी योग करे, विष्णु विष्णु है, गदा संघ चक्र पद्म है, ये अप्सरा बांसुरी बजा रही है। अगर आपका मूड नहीं अच्छा संगीत सुनता है तो आपका मूड चेंज होता है, क्योंकि संगीत में इतना असर है, और बांसुरी बजाने देखिए कितनी मग्न हो गई, तो उसका अंगूठा पैर ऊंचा हो गया, तन्मय हो गई, भाभी को अप्सरा एयरिंग बता रही है, अप्सरा आईने देखे एयरिंग कर रही है, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता, लायन भैसे को मारा है, माता जी ने राक्षस को त्रिशूल मारा, उसकी चोटी पकड़ा है, ये अप्सरा इतने ब्यूटीफुल बताया कि मंकी दीवाना होकर कपड़ा खींच रहा है, मतलब मन मरकट होता है, चंचल होता है, ये कल के अवतार है, भगवान विष्णु ऐसा दसवा कल के अवतार धारण करेगा, घोड़े के पैरों के नीचे दूसरों को मार रहा है, पैरों में हॉल बूट गम बूट पहना है, देखा हॉल सुस्ता हूँ, हाथों में तलवार है, दास ने साता पकड़ा, दासी उनके कटोरे में अमृत डाल रहा है, ऐसा कल के अवतार भविष्य में होगा, ये लिपस्टिक लगा के लेडीज के पैरों में मेहंदी लगाए, तो उस जमाने में नेचुरली फूलों का लिपस्टिक था, बाद में भगवान बुद्ध है, उनके हाथ में कमल है, अक्ष माला वर्कल है, भगवान बुद्ध बताए गए हैं, ये अंगड़ाई लेती अप्सरा जूली के खाने साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, ये परशुराम है, धनुष से बाण परशुराम, धनुष से बाण परशु और फल बताया गया है, अराउंड स्मॉल स्मॉल दशा अवतार है, ये भैरवी के हाथ में इसका खोपड़ी बताया गया, पैरों में चप्पल है, देखिए उस जमाने में चप्पल था मैडम स्लीपर। बाद में कि बलराम जी है, उनके मस्तिष्क के पीछे शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, बीज पूरक है, ये छोटा बलराम उनके हाथ में, छोटा कृष्णा उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है, ये शिखर का डिजाइन है, नागर शैली में है, ये कीर्ति मुखिया नजरिया बोलते हैं, अपने घर के आगे लगा, ये गणेश जी का नृत्य द्वारा स्तुति किया जा रहा है, हाथ में कमल है लक्ष्मी जी, ये कुबेर, कुबेर का पहचान उसका पेट थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए सर, 2001 में अर्थक्वेक भुज में, यहाँ पर हाँ जी 2001 में भूकंप आया भुज में, यहाँ पर भी भूकंप जो क्रैक हुआ है, तो ये सारे ग्लास लगा है, अगर ज्यादा दबाव आएगा तो ग्लास टूट के गिरेगा, अगर ग्लास गिरता है तो खतरा बढ़ सकता है, इंडिकेटर है, ये सारे जानकारी के लिए लगा है, ये लोटस कमल का डिजाइन है, ये देखिए सर एक कीचक है, महाभारत में भीम कीचक वध करता है, ऊपर का वजन उसके बैक पीठ पे होता है, देखिए बंदर में बंदर बैठा हुआ है, सामने के वो सर वो फर्स्ट पिलर कलश के नीचे देखिए, वो बच्चा शेर के साथ खेलता बताया, देखा तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था जो शेर के साथ खेलता बताया, जिसे अपने देश का नाम पड़ा है भारत, अविस्तरपादी में सर जा नहीं सकते ना, नहीं सर। अब देखिए वो पाताल में सोता है विष्णु, देखा सर विंडो के अंदर, आप देखिए अराउंड ये जो लेडीज है दोनों तरफ, ये सब अप्सराएं बताई गई है। अच्छा, अब सामने की थोड़ा उस ये सामने के स्मॉल स्मॉल चचू बैठा है, ये सब लक्ष्मी जी का है, उसके ऊपर की आरी में खड़ा है विष्णु है, इसके ऊपर की आरी में खड़ा विष्णु है, अभी सर देखिए सर सामने
ये स्मॉल स्मॉल स्टैचू बेटा सब लक्ष्मी जी का है, उसके ऊपर की आड़ी में खड़ा विष्णु है, उसके ऊपर की आड़ी में खड़ा विष्णु है। अब सबसे ऊपर देखिए वो कबूतर बैठा है, इसके नीचे दो स्टैचू बैठा हुआ है, देखा विष्णु उनकी वाइफ लक्ष्मी के साथ, वो भी विष्णु है। सामने के सर वो एक बैठे खड़े है, वो दोनों भी विष्णु, उनके हाथ में गदा संघ चक्र पद में, देखा एक बैठे खड़े, वो दोनों भी विष्णु के हाथ में गदा संघ चक्र पद में, सब विष्णु के 24 स्वरूप है। अब सामने के तीन स्टैचू दिख रहा है, थ्री फीसिस दाढ़ी है, वो ब्रह्मा उनकी वाइफ ब्रह्मानी के साथ, सेकंड स्टैचू शिव पार्वती उनका विकल नंदी है, थर्ड स्टैचू विष्णु उनकी वाइफ लक्ष्मी के साथ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर गॉड भगवान। सामने के तीन स्टैचू दिख रहा है, शून्य वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बना है, इसके पानी का क्या महत्व है, तो पहले के जमाने में लेडीज पानी लेने के लिए कहाँ जाती थी, बैल कुएं पे, कुएं पे जाएगी क्या करेगी, रस्सी से बर्तन बांधेगी, कुएं में फेंकेगी, रस्सी से खींचेगी, मटके भरेगी और घर ले जाएगी। तो रानी ने सोचा जो भी लोग यहाँ पानी पीने के लिए आए, लेडीज मटका भर के ले जाने के लिए आए, या विष्णु भक्त जल चढ़ा के प्रे करने के लिए आए, तो पीछे वेल कुआ है, ये कुंड है, कुंड है स्टेप वाला है, पहले कुएं में क्या था, स्प्रिंग वाटर था झरा, तो स्प्रिंग वाटर ओ फ्लो के नीचे से आगे कुंड में आता था, बारिश का पानी कुएं कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, बनना है भगवान विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना, लोग क्या करेगा, धीरे धीरे स्टेप उतर के कुंड में जाके पैसे लोग दोनों हाथ से पानी पी सकता है, लेडीजे मटका भर के सिर पे रख के ले जा सकता है, और विष्णु भक्त विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकता है, उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं। इसलिए रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है, इसलिए अपने इंडिया का भारत का फर्स्ट नंबर का वाव माना गया है, और इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया है। बट यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया तो पानी निकलेगा नहीं, बारिश आएगा तो उसका पानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीछे वेल में रहेगा, फिर ड्राई हो जाएगा। इस साल बारिश अच्छा हुआ था, कुएं में पानी जमा था लेकिन ड्राई हो। यहाँ पर हमें आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की तारीफ करनी होगी, जिसने इस मॉन्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और रिस्टोर किया है। हमारे गाइड ने हमें 1981 एंड 86 की कुछ पिक्चर्स दिखाई, जिसमें रानी की वाव की हालत कुछ ऐसी थी। आप देख सकते हैं ASI ने कितनी मेहनत की होगी इसे रिस्टोर करने में, और आज रानी की वाव यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।